नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, लेकिन इस स्टोरी को बताने में मेरी जो हालत होती है, जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, वो सारी चीज़ें जो मेरे शरीर पे बीती हुई हैं, जो दर्द मैंने महसूस किया है, जो दर्द मुझे मिला है, वो सब मेरे निगाहों के सामने नाचता है। बात सही है, जैसे कि किसी ने कहा कमेंट में कि बीती बातें भूल जाना ही अच्छा है। बात बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरी बहन जो नासूर की तरह हमेशा चुभा करती हैं, जो कभी भूलता ही नहीं है। ये मेरे 4 साल जो बीते हैं मेरे शरीर के उस हिस्से में है, उस जगह पे है कि जब ये मेरा शरीर ख़त्म होगा, जब ये मेरा मन ख़त्म होगा, मेरी पूरी आत्मा ख़त्म होगी, तब वो मेरे दिल से बात ख़त्म होगी, वो टॉर्चर ख़त्म होगा। वो टॉर्चर ख़त्म भी हो जाता अगर बाद में उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो। लेकिन कैसे कैसे क्या बीता है ना, ये मैं शब्दों में बयां तो कर दे रही हूँ आप लोगों से, लेकिन उस दर्द को फील वही कर सकता है। वो कहावत है पुरानी, की दुख जाने दुखिया की दुखिया की माँ। या तो वही मेरा दर्द समझ सकता है जिसने झेला हो दर्द, या फिर उसकी माँ समझ सकती है। माँ मेरे पास होते हुए भी नहीं है, ये मैंने गलती की है, होते हुए भी माँ मेरे पास नहीं है कि मेरी माँ मेरे दर्द को समझे। मेरा अपना कोई नहीं है जिसे मैं अपने दर्द को बता सकूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने दर्द को नहीं बता पाते होंगे, तो कैमरे का सहारा लेते होंगे मेरी तरह। तो मैं इस बातों को पहुंचाना चाहती हूँ आज की जनरेशन तक, ताकि वो लव मैरिज करें, लेकिन विद अरेंज करके करें। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेरे साथ रहेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए बताते हैं प्रेगनेंसी की बात, क्योंकि कल मैंने कहा था प्रेगनेंसी की बात बताएंगे। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है? प्रेग्नेंट होना। क्यों? क्योंकि उसको वो खुशी मिलेगी जिसकी ललक हर माँ को होती है, हर औरत को होती है। हर औरत ये चाहती है मैं माँ बनूं। माँ औरत तभी पूर्ण होती है ना जब वो माँ बनती है, तभी वो पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। तो जब मैं माँ बनी, मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं क्या ही बताऊँ आपको मैं कितनी खुश हुई थी। मन कर रहा था कि सभी लोग मेरे साथ होते तो मैं भी सबसे शेयर करती, सबसे बताती कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन ये चीज़ें सबके नसीब में नहीं होती है ना, तो नहीं था मेरे नसीब में। या फिर ये कहिए कि सब कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं मिला, नसीब में था लेकिन जानबूझ के नसीब से छीना गया। चलिए सबका तो होना भाई ठीक है, शादी चाहे माँ बाप करे चाहे हम अपनी मर्जी से करे, होती तो लड़के से ही है। तो खुश तो मैं बहुत हुई, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा आज आप लोगों से एक सवाल है कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, रखता है, इम्पोर्टेंट होता है? कौन क्या चाहती है औरत जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो क्या चाहती है कौन उसके पास रहे? मेरी सबसे बड़ी कीमती चीज़ मेरे पास नहीं थी उस टाइम, रहती भी नहीं थी मेरे साथ। वो कौन सी चीज़ है जो हर औरत जब अपने प्रेगनेंसी की खबर सुनती है तो वो चाहती है मेरे साथ हो, वो कौन है? ये आप लोग बताइएगा, बाकी की स्टोरी कल बताऊंगी। तो प्रेगनेंसी की खुशी का ठिकाना नहीं है जैसे मैं आज फील कर रही हूँ उस टाइम को लेके। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और शब्दों में अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।